नमस्कार, शाखा नौ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं फखरुद्दीन हाशमी। आइए देखते हैं दो मिनट में दर्जन खबरें। जगदीशपुर के एशियन केमिकल इंडस्ट्रियल में लगी आग, दो गाले जलकर खाक, जिसमें एक था प्लास्टिक कंपनी और दूसरा था गारमेंट कंपनी, कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं। शाखा नौ न्यूज की टीम पहुंची क्राइम पेट्रोल के सेट पर, वहां कुछ बातें हुई इस क्राइम पेट्रोल के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर मोहम्मद साबिर अली से। आने वाले दिनों में कुछ बड़े केसेस पे बनाएंगे सीरियल, जिससे सच्चाई लोगों तक पहुंचे कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से नहीं बच सकता, आखिरी ठिकाना जेल ही है। पीएनबी घोटाला, नीरव मोदी के खिलाफ अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नेता भगवान नहीं, कानून से ऊपर नहीं, मैंग्रोव काटने वाले नगर सेवकों के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया मामला दर्ज करने का निर्देश। होली स्पेशल हवाई यात्रा में भारी छूट, मात्र 990 रुपये में करिए हवाई सफर। ऑफर देने वाली कंपनियां हैं जेट एयरवेज, गो एयर और एयर एशिया शामिल है, बाकी सभी कंपनियों ने किए हैं 20% कमी। रेलवे भर्ती परीक्षा 2018 एग्जाम देने वाले को वापस की जाएगी बड़ी फीस। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का नागपुर ट्रांसफर हो गया है, नायक ने शुक्रवार दोपहर में इसकी पुष्टि की। दुर्बे रेलवे स्थानक के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही लड़की के साथ जबरदस्ती किस करने वाले 43 वर्षीय नरेश को आरपीएफ एएसआई डीके शर्मा ने किया गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और करण फिल्म हेट लव स्टोरी 4 के सॉन्ग बदनामिया में काफी बोल्ड अवतार में नजर आएंगे। 4 साल बाद नेसवाड़िया के खिलाफ प्रीति जिंटा से छेड़छाड़ मामले में चार्जशीट दाखिल। टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा पिता बने, पत्नी पूजा ने बेटी को जन्म दिया, पुजारा ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ कार्यक्रम में शामिल होने पर कपिल शर्मा पर भड़के शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस पार्टी। अब प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए शाखा 9 चैनल को। थैंक यू।